आज हमारे बीच निर्वाचन विभाग से शोभन जी और रेणु जी यहाँ आए हुए हैं। बड़े सौभाग्य की बात है, चुनाव कितना इम्पोर्टेंट है देश के लिए, हमारी शक्ति के लिए, और उसको युवाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैं आग्रह करता हूँ सुभाष जी से कि वो आज के कंपटीशन और जो भी सुझाव चुनाव संबंधी या आज जो कंपटीशन है उसके संबंध में देना चाहें। कृपया धन्यवाद। धन्यवाद मेरे जी। और आप सभी जानते हैं कि निर्वाचन की जिस प्रतियोगिता में आप लोग भाग ले रहे हैं वो हमारे लिए तो महत्वपूर्ण है ही, और उसके साथ साथ जो देश और आपका जो लोकतंत्र का पूरा परिदृश्य है उसमें भी ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम विशेष रूप से आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि जितनी भी प्रतियोगिताएँ इस बीच आयोजित हुई हैं, और चूँकि आप सभी अनुरागी मन हैं, कलाकार मन हैं, तो आपकी अभिव्यक्ति मैंने उसमें देखी है, और हम सभी ऑफिस के जितने भी साथी हैं उन्होंने उस अभिव्यक्ति को देखकर ये निष्कर्ष निकाला कि एक छोटा सा ओरिएंटेशन आप लोगों के साथ किया जाए ताकि एक प्रभावी अभिव्यक्ति सामने आ सके। आप सभी बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसका शीर्षक है मेरा मत मेरा भविष्य, और आप सभी जानते हैं और हमारे युवा साथियों से ज्यादा भविष्य को कोई नहीं पहचानता, और आपके मत की जो ताकत है वो इसका सेकेंडरी टैगलाइन है, मेरा मत मेरा भविष्य और एक मत की ताकत। तो अब करना ये है कि आपने देखा है कि प्राय आप सभी जो है तिरंगा बना देते हैं, धर्मों के जो प्रतीक हैं उनको लेकर लिख देते हैं कि सशक्त मतदाता सशक्त लोकतंत्र, और आप विशेष रूप से मैंने देखा है जो उंगली का निशान है वो आप सब अधिक मतलब 80% जो आपके पोस्टर है उनमें मैंने देखा है कि वो चीज हो गई है। दोस्तों मैं खुद कला संवर्ग से आता हूँ तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रतियोगिता सिर्फ इसलिए आयोजित नहीं की गई कि आपको रंग और ये शीट दे दी जाए और आप उसमें कुछ भी बना दें। आप सभी प्रतिभावान हैं, आपके शिक्षक प्रतिभावान हैं, और ये पूरा संकुल है ये बहुत ही प्रतिभावान है। तो मैं आप लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि आप इसमें हमको एकदम नया विचार दो। जैसे किसी बच्चे से पूछा जाए कि दुनिया कैसी होनी चाहिए तो आप सब कह दिया कि हमें रहने के लिए बहुत अच्छा फ्लैट मिल जाए, बहुत अच्छी पानी की सुविधा हो, बहुत अच्छी उसमें जो हमारी पढ़ने की सुविधा हो, एसी गाड़ी मिल जाए, हमें अच्छे मोबाइल मिल जाए, अच्छी जीन्स मिल जाए। लेकिन एक बच्चे से पूछ जाए कि बच्चे आपको क्या चाहिए, कैसी अपना दुनिया हो, तो वो कहेगा कि मुझे ऐसी दुनिया चाहिए जहाँ पे रोज एक फोन मिलता हो, मुझे ऐसी दुनिया चाहिए जहाँ झुगनु चिपते हों, मुझे ऐसी दुनिया चाहिए जहाँ मैं नंगे पाँव जा सकूँ। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, आप कला के विद्यार्थी हैं, और मुझे ऐसी दुनिया चाहिए जिसमें मेरी आंखों में हमेशा चमक रहे और मेरे चेहरे पर मुस्कान रहे। तो आपने देखा कि स्मार्ट सिटी का जितना कॉन्सेप्ट है वो इस बच्चे के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिल्कुल अलग किस्म का कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट आप और हम कला का जो अनुसंधान करता है, कला का जो सोचने वाला है, उसकी नजर से दुनिया वाकई अभिनव है, अद्भुत है। तो मुझे यही चाहिए कि जब आप उसमें अपने पेंटिंग करें तो उस अद्भुत दुनिया को लाएं, और एक उसमें जो तकनीकी चीजें हैं, पहले तो वो छोटी छोटी तकनीकी चीजें आपको बता देता हूँ। चुनाव आयोग ये कहता है कि आपके उल्टे हाथ की पहली उंगली है, इस पर निशान होना चाहिए, तो आप अपने 30 सभी इलस्ट्रेशन में ये उसका जो टेक्निकल एंगल है वो देखते हैं, उसका हाथ तो अंगूठा किधर होगा, आप ऐसे दिखाएंगे तो इस तरफ, यानी सीधे को इंगित करता हुआ अंगूठा होगा, इस पर निशान होगा, ठीक है। तो आप अपने इलस्ट्रेशन में ध्यान रखें कि उल्टा हाथ आना चाहिए एक बार। दूसरी बात, बधी बधाई एक पर क्यों चलना बच्चों, आपके पास इतने अच्छे विचार हैं, कलम है, रंग है, कुछ अपने बन गए, जैसे आप ये सोचिए कि आपका एक मत क्या कर सकता है, अच्छे इंसान दे सकता है, अच्छे ऐसे लोग दे सकता है जो समाज को अच्छा बनाए, अच्छी सोच दे सकता है, और इस दुनिया को ज्यादा व्यापक, ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा जिम्मेदारी भरी बना सकता है। तो मैं आप लोगों से सभी से कहूंगा कि कुछ आप छोटे से कोशिश करें, और जैसा आपने देखा है, मैं आपको कला के तरीके से समझाता हूँ, आपने देखा है कि एक अंधेरा कमरा है, खिड़की बंद है, दरवाजे बंद है, रोशनी आने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, पर आप जैसा कोई कलाकार बच्चा अगर एक हल्की सी भी दरार उस कमरे में खोल देता है तो आपने देखा है कि धूप की किरण उसमें आती है और उसके अंदर के जो धूल के रेशे होते हैं वो भी उसमें चमक उठते हैं। तो मुझे लगता है कि आप वो उस उजाले को, उस तरीके को, और जो एक प्रकाश की अवधारणा है अंधकार को मिटाने की, उसको देखने का प्रयास करेंगे। अंधकार और प्रकाश की बात की जाए
तो दिया हमेशा आप लगाते हैं उसको जलता हुआ भी लगाते हैं, लेकिन बादलों के पीछे से जो सूरज आता है तो वो भी अंधकार और प्रकाश की अवधारणा है, और आपके उजले चेहरे होते हैं वो भी अंधकार और प्रकाश की अवधारणा है, और मैंने चित्र देखे हैं जिनमें धूप का छाया है वो भी अंधकार और प्रकाश की अवधारणा है। तो बस एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा और आप उसको तर्क में समझ जाएंगे। हौले से उतरती है तुम्हारे आसपास, हौले की भेस हौले से उतरती है तुम्हारे आसपास, और तुम जान भी नहीं पाते कब बन जाती है वो तुम्हारी परछाई, तुम जान भी नहीं पाते कब बन जाती है वो तुम्हारी परछाई। तो आप उस परछाई को ऐसे ही बनाएंगे, दुनिया को बनाने के लिए मक्ती जो ताकत है उसको बताने की कोशिश करेंगे, और सबसे बड़ी बात कुछ नया और अलग हटके सोच। पुरस्कार आप लोगों को बताइए, 5,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का पुरस्कार है, और जो पोस्टर कॉम्पिटिशन है वो यही ग्रेजुएट नहीं होगा, तो मुझे आशा है कि हमारे बच्चे बहुत के साथ वो काम करेंगे और पुरस्कार जीतेंगे। और 50,000 इसमें आपके बहुत सारे छोटे छोटे गिफ्ट भी हैं, टीशर्ट्स हैं, घड़ियां, स्मार्ट वॉच है, आपका पूरा टूल जो है पेंटिंग का वो है, बहुत सारी चीजें हैं। तो नीक से अच्छे सोचिए, थोड़ा सा अलग सोचिए और कुछ अभिनव दुनिया को अभिनव देने का प्रयास करें। बहुत सारे प्यार के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुबोध सोनू जी, अपने बच्चों को बहुत ही मोटिवेट किया अपने उद्बोधन से। रेणु जी आपको आप रेणु रेणु जी थैंक्स सो मच। बच्चों अगर धूप में खड़े हो तो थोड़ी सी छाया में आ जाओ, 2 मिनट दूंगी मैं आप लोगों का। आप लोगों को दी जा चुकी है, उनके द्वारा आपको अपनी खुद की तलाश करनी है, वो तलाश जो अभी तक कहीं रुकी हुई थी, कहीं छिपी हुई थी, आपको उन्हीं के द्वारा उन्हीं रंगों में उन्हीं कलाकृतियों से उकेरते हुए अपने मनोभावों को इन शीट्स पे लाना है। उद्देश्य और अपना एम स्पष्ट रखें कि ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ये चाहता है कि हमारी भावी पीढ़ी को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो, अपने अधिकारों का एहसास हो, और इसीलिए वो इस तरह के कॉन्टेस्ट को लेकर के आया है जिसमें पेंटिंग एक पार्ट है, उसके अलावा 4 और कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें सॉन्ग है, वीडियो है, स्लोगन है, और इसके साथ ही क्विज है। तो ईसीआई की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो इन 5 कॉन्टेस्ट के बारे में डिटेल चीजें हैं, आप यहाँ पर अपने मनोभावों को उकेरें या रिकॉर्ड करें, कुछ भी आप जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन उसको ईमेल के जरिए, ध्यान रखना अपने ईमेल के जरिए आपको वहाँ ईसीआई तक पहुँचाना है, क्योंकि कोई भी स्कूल है या कोई भी कॉलेज है वहाँ से हमें बहुत सारे क्विज के पार्टिसिपेंट्स मिले हैं, बहुत सारे हमें पोस्टर्स के पार्टिसिपेंट्स मिले, स्लोगन के भी मिले, लेकिन हमें पता है कि जो आपके हाथों से उकेरा जाएगा वो वहाँ हमें नहीं मिला होगा। तो आप लोग इस विधा में माहिर हैं, और इसके साथ साथ क्रिएटिव है, आज मौसम भी इस बारे में लग रहा है कि जब इतना बड़ा कला मेला लगा है तो कहीं ना कहीं चारों तरफ माहौल तैयार हो जाता है कुछ नई संरचना को तैयार करने के लिए। तो आप लोग दिलो जान से एक नए संदर्भ में इस बात को स्पष्ट करें कि हमारे लिए एक एक मंच जो है वो कीमति है, और हमारे लिए जागरूक रहना और उसके साथ साथ जिम्मेदार बनना भी जरूरी है। तो इन चीजों को शामिल करते हुए आप पोस्टर तैयार करें, और इस पोस्टर को अवश्य भावी रूप से ईमेल जरूर करें, अन्यथा वो स्कैन करके ही आप ईमेल करेंगे, अन्यथा ये अमानत जो है वो आपकी आपके पास रह जाएगी, ईसीआई तक नहीं पहुंचेगी। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो पर्पस जो है सर नहीं होगा। और द बेस्ट टू ऑल, आज का बहुत अच्छे से पोस्टर हमें मिलने वाला है, काम शुरू कर सकते हैं रंगों के माध्यम से, बिल्कुल उसमें अपने जो भी भाव हैं आप डाल सकते हैं, आपको ईमेल एड्रेस और वो सब पता चल जाएगा। चलिए इस समय कंपटीशन भी चल रहा है तो एक क्लिपिंग उसकी भी बनती है, और अब हम देखते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे हर स्टूडेंट किस तरह से अपना काम कर रहा है एक प्रतियोगिता में भाग लेने वाला। सर आप क्या बना रहे हैं? जी मैम मैं वाटर कलर में ये पोर्ट्रेट निकाल रहा हूँ, मदर एंड चाइल्ड, तो ये मैंने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें थोड़ा सा डेप्थ का जो वर्क है वो बाकी रह गया था, तो मैं हल्की फुल्की इसमें शेड्स अभी निकाल रहा हूँ। जी मैम बहुत ही सुंदर, और ये हम प्रतियोगिता के अंतर्गत देख सकते हैं। आप वोट देंगे? हाँ क्यों? बेटर फ्यूचर के लिए।
बेटर फ्यूचर के लिए, और बेटर फ्यूचर के लिए यहाँ पे सब लोग लगे पड़े हैं। और हम देख सकते हैं कि पूरे इस क्यूब के अंदर किस तरह से खचाखच भरे हैं और उनकी एनर्जी एकदम बनी हुई है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बहुत ही उत्तम काम कर रहे हैं, पूरी तरीके से लगे हुए हैं। चलिए इनसे जानते हैं। मैडम, मैं भी मतलब बेटर फ्यूचर के लिए उसके लिए बना रही हूँ। आप 18 इयर्स के हो गए? नहीं, अभी नहीं हुए। नहीं, तो आप क्या कहना चाहेंगे यंगस्टर्स को? वोट करो, इट्स इम्पोर्टेंट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कलाकार बहुत ही उत्सुकता के साथ, बहुत ही कलरफुल तरीके से अपनी अभिव्यक्ति को प्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए जानते हैं इनसे। जी मैम, मैं ये माय वोट माय वैल्यू और वन वोट ऑफ पावर उसके बारे में ये पेंट कर रहा हूँ। इसमें मैं दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक वोट सत्ता गिरा भी सकता है तो सत्ता बना भी सकता है, इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये छोटे 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 प्यारे प्यारी लड़कियाँ यहाँ पे कुछ कुछ वोट के लिए बना रही हैं। चलिए जानते हैं वोट के बारे में इनकी क्या राय है। ये बहुत ही शाये हैं, कॉन्फिडेंट गर्ल्स बन सकती हैं अगर ये कुछ भी कहें तो। आप किस चीज़ पे बना रही हैं? वोटिंग पे। क्या आप क्या सोच के बना रही हैं ये? मैम, वोट का यूँ है कि हर रिलीजन्स वोट करता है तो उसमें डिफरेंस नहीं होता ये तो। हाँ मैम, वही कि वोटिंग के अंदर इंडिया के अंदर सभी कल्चर के लोग रहते हैं, तो वोटिंग के टाइम पे वो चीज़ नहीं देखी जाती, बस वोट पार्टीज और इंडिया का ही वो देखा जाता है। फ्यूचर के लिए वोट किया जाता है ताकि आने वाला फ्यूचर बेस्ट हो, अच्छे नेता को वोट दे करके। और वोट हमारी लाइफ का एक बहुत मेजर पार्ट है। हमारा वोट किसके लिए होना चाहिए और वो आगे जाके क्या चेंजेस करता है हमारी कंट्री में, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बहुत ही उत्तम बात कही गई है कि वोट लीडर को ऐसा चुनना चाहिए, वोट के द्वारा लीडर ऐसा होना चाहिए जो हमारे देश की बारे में सोचता हो, एक छोटे से छोटे इंसान से लेके देश तक के बारे में उसको ग्लोब तक बढ़ाता हो। वोटिंग की गतिविधियों में हमने देखा लड़कियां बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके थॉट्स भी बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा शाय हो जाती हैं लेकिन एक बार जब बोलना शुरू करती हैं तो चुप भी नहीं होती हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा जानती हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं। चलिए इसी क्रम में हम जानते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स जो कुछ कुछ बना रहे हैं सुंदर सुंदर, इनके बारे में जानते हैं। मैंने वोट से रिलेटेड बनाया है कि वोट एक पावर है, तो वो मैंने दिखाया है पावर वोट की थ्री उस एक वोट उंगली के थ्रू। ये बहुत ही सीधा सादा सरल एब्स्ट्रैक्शन है जो उन्होंने कोशिश की है कॉन्सेप्ट में बनाने की। आगे देखते हैं, आपसे जानते हैं। मैम, जब वोट होता है ना तो उस दिन लोगों ने छुट्टी मना के घर पे चल जाते हैं या छुट्टी का दिन समझते हैं उसको, लेकिन उस दिन है ना सब लोगों को मिल के वोट देना चाहिए और अपना जो होता है ना मतलब नेता उसको चुनना चाहिए कि कहीं हम गलत चीज़ तो नहीं कर रहे, मतलब गलत इंसान को तो नहीं चुन रहे। फिर जब चुन लेते हैं ना फिर कोई गलत इंसान बन जाता है तो हम उसको ऐसे कहते हैं ये तो ऐसा है वैसा है, इसलिए खुद को चुनना चाहिए ना भी कौन इंसान बेहतर है, इसलिए वोट तो देना ही चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात कही है कि ये जो बता रही हैं, ये बता रही हैं कि कभी भी सिर्फ वोटिंग वाले दिन को छुट्टी का दिन ना मान के वोट दिया जाए। वोट देने के लिए पहले आप चर्चा करें मित्रों के साथ, उसके भविष्य के बारे में जानें, वो देश को कैसा स्वरूप दे रहा है। इस तरह की चर्चाएं और वार्तालाप कम्युनिटीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। टू अवेयर पीपल, टू अवेयर नेशन, टू अवेयर अ ग्लोब। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।